हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल क्रिएशंस एजुकेशन आज है डे सिक्स ऑफ अवर हार्ड चैलेंज फॉर द एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर नीट 2024 एग्जामिनेशन इस सीरीज के अंदर हम बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर नीट 2024 एग्जाम प्रैक्टिस करने वाले हैं जिससे कि आप लोगों को नीट एग्जाम के बायोलॉजी पोर्शन में मैक्सिमम स्कोर करने का मौका मिले तो अगर अब तक भी आपको समझ में नहीं आया है कि आपको कहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं या फिर कौन से एमसीक्यू देना चाहिए तो प्लीज इस सीरीज को पूरा फॉलो करो इससे पहले ऑलरेडी हम पांच दिनों से वीडियो डाल रहे हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देखो कई क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस प्ले का लिंक मिल जाएगा आप उसे जरूर चेक करो जाकर और अगर चैनल पर पहली बार आए हो So please do subscribe the channel because daily आपको इस तरीके से वीडियो मिलने वाली है जो आप लोगों की नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी अगर आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो नहीं करते सो डू फॉलो बिकॉज वहां पर आपको काफी इंपॉर्टेंट और काफी हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा फॉर नीट एग्जामिनेशन तो बच्चों मैं यहाँ पर काफी सारे इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी सीधा हम क्वेश्चन पे आएंगे हम ऑलरेडी ट्वेंटी क्वेश्चन तो एक तरीके से लास्ट के पार्ट में हम कर चुके हैं मैं ले रही हूं। तो हमारा पहला जो मॉक टेस्ट था उसके अंदर हमने अराउंड हंड्रेड uh, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे नेक्स्ट मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है उसके ट्वेंटी क्वेश्चन हो चुके हैं आज हम ट्वेंटी क्वेश्चन से कर रहे हैं ठीक है समझ में आया तो इस मॉक टेस्ट जिसके अंदर हंड्रेड क्वेश्चन में करा चुकी हूँ इसको अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो बच्चों पहला है 21st है, आपको बताना है यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर ए इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू कार्टिलेज ईच रिब इज बोन एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेडी

सी बिल्कुल करेक्ट जिन बच्चों को भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो वो भी आप कंफर्म कर सकते हो सो आर सेवन पेयर ऑफ वर्टी ब्रोस्टर्नल थ्री पेयर्स ऑफ वर्टी ब्रोकॉन्ड्रल एंड टू पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब्स उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स बींग ड्रिवन टू एक्सटेंशन कोई भी एनिमल और प्लांट एक्सटिंक्शन की तरफ क्यों जा रहा है उसका मेन कॉज क्या हो सकता है ऑप्शन ए ड्रॉट एंड फ्लड्स बी इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन सी एलियन स्पीशीज इनवेजन या डी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है डी उनका loss होना यानी कि जो उनका फेवरेबल हैबिटेट है उस हैबिटेट का लॉस वो हैबिटेट ना रहना इज द मेन रीजन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट बींग एक्सटिंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इजॉप्रक्शन सेंटीमॉर्गन की यूनिट को मैप के अंदर यानी कि जेनेटिक मैप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया गया है एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोजोम रिप्रेजेंटिंग वन परसेंट क्रॉसओवर यानी कि क्रॉसओवर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर किसी ना किसी जीन को किसी भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसके डिस्टेंस के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू ऑफ ट्राइपल माइटिन इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की जो वैल्यू एनसीआरटी में दी गई है ठीक है कई जो कंटेंट्स हैं उनकी रेस्पिरेटरी Uh, जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर निकाला गया है तो आपको बताना ट्राइपल माइटिन की क्या वैल्यू होगी एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन एयर विल बी नंबर ए भी है ये तो इसको आप देखना ये पी वाई क्यू भी है और एज वेल एज इसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट इनमें से कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेकेंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर थर्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फोर या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर वन एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर विल बी ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर थ्री ओके इट इज डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन नेक्स्ट क्वेश्चन है परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज सीड के अंदर जो परसिस्टेंट न्यूसेलस प्रेजेंट होता है में भी आपने देखा होगा वो क्या होता है ऑप्शन ए पेरिस्पर्म बी हीलम सी या डी चलाजा एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए पेरिस्पर्म जो न्यूसिलस आप देखते हो सीड के अंदर दैट विल बी पेरिस्पर्म नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं विच इज सेइंग प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है ऑप्शन ए कीमो ऑटोट्रोफिक फिक्सेशन बी नाइट्रीफिकेशन सी डी नाइट्रीफिकेशन या डी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी डी नाइट्री फिक्सेशन तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान जब हमारा डीनाइट्रीफिकेशन का स्टेप आता है तो उसमें थियोबैसिलस इन्वॉल्वड होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग ईएसटी रेफर्स टू ऑप्शन ए पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन बी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म सी नोवेल डीएनए सीक्वेंसेस या डी जीन एक्सप्रेस्ड एज आरएनए द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी जो जीन एज अ आरएनए एक्सप्रेस करते हैं खुद को उन्हें हम सीक्वेंस टैग कहते हैं क्लियर है ठीक है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं टाइडल वॉल्यूम और एक्सपेरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम एक एथलीट की 500 हंड्रेड और 1000 एम है ठीक है तो हमें यहाँ पर बताना है वट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी अगर रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 हंड्रेड है ठीक है तीनों वैल्यूज हैं आपको बताना है एक्सपायरेटरी कितनी ज्यादा होगी कितना एक्सपायरेशन हो सकता है ऑप्शन ए 1700 हंड्रेड एम एल बी ट्वेंटी टू हंड्रेड एम एल सी ट्वेंटी सेवन हंड्रेड एम एल या डी फिफ्टीन हंड्रेड एम एल एंड द करेक्ट ऑप्शन हंड्रेड एम एल क्लियर है ये चीज आगे बढ़ते हैं

तो आप देख सकते हो ए बी सी और डी में किस ऑप्शन में सही ऑप्शन लिखा हुआ है जिसके अंदर कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड फीवर एज वेल एज उसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है ये यहाँ पर मेंशन है तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो हमारा टाइफाइड फीवर है एस कैपिटल होगा वो सालमोनेला टाइफी से होता है और सो तो कंफर्म हम वाइडल टेस्ट से करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करेक्ट सीक्वेंस बताओ फॉर

देन वास डिफरेंस, डक्ट, एंड यूरेथ्रल यूरेथ्रिएट ठीक है तो ये हमारा कंप्लीट पाथवे हो जाएगा फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक जो फ्लोएम होती है जिम्नोस्पर्म में उसके अंदर क्या नहीं होता है ऑप्शन ए सीव ट्यूब्स ओनली, बी कंपेनियन सेल्स ऑनली सी बोथ सीव ट्यूब कंपेनियन सेल या डी एलब्यूमिन सेल एंड सीव सेल करेक्ट ऑप्शन एयर विल बी ऑप्शन नंबर सी जिम्नोस्पर्म के अंदर जो फ्लोएम होते हैं उनके अंदर सीव ट्यूब्स भी नहीं होते और कंपेनियन सेल भी नहीं होते ठीक uh, है नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑप्शन ए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बी कॉर्टाना बाइलेट्रल सिमेट्री एंड सी ट्रू सेलमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी ठीक है सीलोमेट्स आएगा यहां पर आपको बताना ये किसके किस फीचर्स है करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर डी एंड आर्थ्रोपोडा एनेलिडा तीनों के ही फीचर्स हैं ये जिनके अंदर ये तीनों ही फीचर्स आ जाएंगे नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट ध्यान देना इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर सी विच इज सेइंग ओव्यूल्स डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो सैक ठीक है तो ये यहां पर इनकरेक्ट है ओव्यूल्स एम्ब्रियो सैक में डेवलप नहीं होते ओवरी के अंदर डेवलप ठीक है Clear है क्लियर बताओ हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके पास चार स्टेटमेंट गिवन है इन स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इस चीज पे ध्यान रखना करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है एक्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इन ब्रीडिंग सिलेक्ट हार्मफुलट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी बिल्कुल गलत इन ब्रीडिंग कराते ही इसलिए है कि जो डॉमिनेंट जीन्स होते हैं ठीक है जो की बेनिफिशियल होंगे उससे हम फर्टिलिटी इंक्रीज कर सके और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके जबकि उसका बिल्कुल अपोजिट यहां लिखा है तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट ऑप्शन ए वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ठीक है ऑप्शन बी इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोट सी कंसिस्ट ऑफ एबनोमी फोल्डेड प्रोटीन या डी लैक अ प्रोटीन कोट कौन सा स्टेटमेंट गलत है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन कोट इन्फेक्शन नहीं होता उसका जेनेटिक मटेरियल होता है ठीक है डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद डीएनए को अगर प्रेसिपिटेट आउट करना है किसी भी बायोमोलिक्यूल से तो उसको हम किस पर्टिकुलर केमिकल uh, या किस पर्टिकुलर एलिमेंट को यूज करके हम कर सकते हैं ऑप्शन ए चिल्ड इथेनॉल बी मिथेनॉल एट रूम टेम्परेचर सी चिल्ड क्लोरोफॉम या डी आइसोप्रोपेनॉल एंड द करेक्ट ऑप्शन इज चिल्ड इथेनॉल ये एनसीआरटी में भी है कि हम चिल्ड इथेनॉल डालेंगे टू प्रेसिपिटेट आउट द डीएनए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है conservation of biodiversity? Conservation, biodiversity का उसका एक मेथड इनमें से कौन सा नहीं है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी बोटेनिकल गार्डन क्लियर बोटेनिकल गार्डन जो है वो आपके इन सी टू कंजर्वेशन में नहीं आता है एक्सिटू में आएगा ठीक है करेक्ट सीक्वेंस बताओ सेल साइकिल के फेजेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा सेल साइकिल के फेजेस का करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले जीवन फेज आता जहां पर कंप्लीटली सेल्स प्रिपेयर हो गए होते हैं देन एस फेज जिसमें सिंथेसिस होगा उसके बाद जी टू एंड देन आपका मेटाफेज ठीक है मियोसिस वाला फेज क्लियर है विच लास्ट क्वेश्चन है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ द किडनी ग्राफ्ट किडनी ग्राफ्ट अगर कोई करा रहा है तो उसके रिजेक्शन के लिए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होगा ऑप्शन ए ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बी इंफ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स सी सेल मीडियेटेड इम्यून रिस्पॉन्स या डी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ठीक है लिम्फोसाइट्स वगैरह जो आपके सेल्स इन्वॉल्व होंगे उसके बेसिस पर जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो होगा और रिजेक्ट करेगा किडनी को ठीक है आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे क्वेश्चन ईजी लगे होंगे इसी टाइप से इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके नीट एग्जाम में तो जब तक ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्रैक्टिस करते रहो और अपनी नीट एग्जाम की प्रिपरेशन को और ज्यादा बेटर बनाते रहो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए हैव अ गुड डे बाय